ये देखिए, ये है सफ़ेद मटर। आज हम इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। इसको रात को ही मैंने भिगो दिया था, सुबह हो गई है, मतलब 10 घंटे इसको भिगो दिया है इसलिए। और इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलू, 250 ग्राम है इसको, इस साइज में कटिंग कर लिया मैंने। थोड़े से लहसुन लिया मैंने, ये गरम पत्ता है, एक टमाटर है और 4 प्याज है छोटे छोटे बीज वाले साइज के। इसको मैं दरदरा कूट लेती हूँ और इसको कुकर में 2 सीटी में उबाल लेती हूँ। ये देखिए कितना पानी रखा है मैंने कुकर में। अब इसको 2 सीटी लगाएंगे, कढ़ाई भी चढ़ा दें एक तरफ, और इसमें हम 2 चम्मच तेल हमारा काफ़ी गर्म हो गया है, तो पहले इसमें हम आलू फ्राई करते हैं। आलू निकाल लिया मैंने, देखिए लहसुन भी कूच लिया है, ये प्याज डाल हो गया और मसाले डालेंगे। धनिया है, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, पूरा तेल बाहर आ गया है, तो मसाला कम करना है। पूरे अच्छे से उबल गए हैं, मैं देखती हूँ अच्छे से उबल गए हैं। अब इसमें हम सारी सब्जी ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी सब्जी, थोड़ी सी पानी इसमें ऐड कर दी है, इसको हम 2 सीटी और लगाएंगे।
दो सीटी और लगानी। ये हो गई दूसरी सीटी, इसको हम बंद और प्रेशर ठंडा होने तक इंतजार, इसको ठंडा होने तक इंतजार करते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका ढक्कन खोलेंगे। इसके लिए मैंने पराठे बना लिए हैं, ये देखिए प्रेशर निकल गया है, एक बार चेक। ये देखिए बन के तैयार है हमारी। बताइए कैसी लगी हमारी रेसिपी, अभी परोस के दिखाते हैं। हमने निकाल के प्लेट में रख दिया है। ये हमारा सफ़ेद मटर और आलू की सब्जी के साथ पराठे। बताइए कैसी लगी है और आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।